जैसे कि पास फैलाना। ये है मक्खन। तो ये दोनों बेस्टीज हैं और साथ में रहती हैं, रूममेट से दोनों, है ना, रूममेट्स है ना। ये देखो दोस्तों सरसों, ये जो आपने सुना होगा ना सरसों का तेल, जो कड़वा तेल बनता है वो इससे बनता है, सरसों से। हरी धनिया बीजी हुई है और यहाँ पे ये है लहसुन और ये है साग। दादाजी बोल रहे हैं हमारे साथ रहने आ रहे, नीचे आ रहे हैं ना आप? पक्का होगा पक्का। So hey guys, what's up? This is Sanjay Chauhan. कैसे आप सब? Welcome back to another vlog. तो पिछले vlog में आपने देखा था कि मैं अपने दादा दादी के पास आ गया था, मैं और मेरा भाई दोनों आए थे। अभी सुबह का वक्त है, बिजू भाई और मैं दोनों उठ चुके हैं और दादा दादी हम दोनों से पहले उठ चुके हैं। कैसी नींद आई भाई? बढ़िया नींद आई, अच्छी नींद। बहुत अच्छी नींद आई भाई यहाँ पे, मतलब बहुत ही ज्यादा कम्फर्टेबल था, मजा आ गया सो के। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। राम राम दादी। राम राम जी। और ये जो आप देख रहे हो ये हांडी होती है, इसमें दूध रखा होता है, इसको इस तरह बैक एंड फोर्थ हिलाने से इसकी जो है लस्सी जल्दी बन जाती है ना दादी? जल्दी दूध को लस्सी में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह से हांडी में उसको हिलाया जाता है। नहीं, हम बोलते हैं अपनी भाषा में चरती, इसको अपनी भाषा में लोकल में चरती बोलते हैं इसको। चलो बाहर का आपको व्यू दिखा दूं मैं। ये मेरी दादा दादी ने न्यू डॉग अडॉप्ट किया है, ये है बाहर का व्यू। अभी बिल्कुल सुबह का वक्त है दोस्तों, 9 बज रहे हैं अभी और 9 बजे मतलब उस एरिया में पूरी धूप आ जाती है। हमारे तक पहुंचने में पता नहीं शायद 10 बज जाए यहाँ पे इस साइड को। नाइस मॉर्निंग। अभी दोस्तों जब तक यहाँ पे धूप नहीं पड़ेगी ना तब तक थोड़ी ठंड रहेगी यहाँ बाहर, और मेरे को मतलब बाहर निकलते ही ठंड लग रही है, मैं वापस चलता हूँ अंदर अभी। इस तंदूर में आग जलाई हुई है सुबह सुबह उठ के दादी जी ने, बहुत बढ़िया वाली। तो यहाँ पे बढ़िया सा सेक लगा रहता है आग के पास, तो जब तक बाहर पूरी तरह से धूप नहीं लग जाती है ना तब तक हम यहाँ पे बैठेंगे और अभी ब्रेकफास्ट करेंगे थोड़ी देर में। दादाजी न्यूज़ सुन रहे हैं फ़ोन पे। और ये जो मेरी दादी ने पहना है इसको पट्टू बोलते हैं, ये हिमाचल की जो ट्रेडिशनल पोशाक रहती है वो होती है। इसको कितनी देर हिलाएंगे दादी आप? एक डेढ़ घंटा लग जाता है। वो मशीन तो होती है इसकी, वो खराब हो गई है? खराब नहीं है, वो ठीक है। तब क्यों नहीं लगा? मशीन में लेट होता है, तब हाथ से हिलाना पड़ता है। ये बन गया देखो दोस्तों घी ऊपर, जो ये गोल गोल दिख रहा है ना आपको, घी बन चुका है। ये देखो ये बन गया मक्खन। आगे पीछे जाना चाहिए, सिर पूरे पूरे नहीं जाना है, आगे तो पीछे, आगे तो पीछे ऐसे जाना। फिर मैं चावल डालूंगी फिर, है ना? करो आप। हाँ इसको। अब मैं सीख गया हूँ दूध से लस्सी और मक्खन बनाना। अब मैं अपनी फैक्ट्री खोलने वाला हूँ चौहान्स घी के नाम से। जरूर मेरी फैक्ट्री का घी जो है वो खरीद के आप खाना। बस दोस्तों काम होने ही वाला है पूरा अब। तो भाई फाइनली आप देख सकते हैं मक्खन निकाल दिया दादी जी ने, ये है मक्खन पूरा। इसको आप गर्म करेंगे ना और ये पिघलेगा तो इसका बनेगा घी, जो जिसको आप देसी घी के नाम से जानते हैं। और बाकी जो इसके साथ फ्लूड रह गया वो है लस्सी। तो हमारा ब्रेकफास्ट यहाँ रेडी है, मैं बस थोड़ा ठंडा होने का वेट कर रहा हूँ, इसका ज़्यादा गर्म हो गया दूध। मट्ठी बोलते हैं इसको लोकल में जी, लोकल में दादाजी ने खुद बनाए हैं। और यहाँ पे मेरा दूध है तो इसको गर्म करके दूध के साथ खाएंगे अब ब्रेकफास्ट में। मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू बताऊँगा आपको कैसे थे टेस्ट में, वैसे लग तो टेस्टी रहे, देख के खा के पता लगेगा बाकी। सिल गर्म जैसा ही चाहिए। यहाँ देखो क्या बढ़िया आग जली हुई है। दादाजी एक न्यूज देख रहे थे अभी, बोला स्टार कितना दादाजी? स्टार 401। अगर तुम्हारा फोन लेके किसी ने टाइप कर लिया तो आपके अकाउंट से सारा पैसा चला जाएगा। दादाजी सीरियस हो गए थे।
तो मैंने दादाजी को बताया कि ये न्यूज़ फेक होती है, आधी जो ये शॉर्ट्स में आती है ना यूट्यूब में। तब दादाजी मेरी बात समझे। अब नहीं ना, ठीक है ठीक है, इसमें रख। बढ़िया बढ़िया भाई, पर मैं अभी ब्रेकफास्ट नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि मैंने सुबह से पानी नहीं पिया है। पहले मैं पानी पीऊँगा एक ग्लास, ताकि मेरी बॉडी थोड़ी हाइड्रेटेड हो जाए, फिर मैं ब्रेकफास्ट करूँगा। तो चलो पानी भरते हैं। ये पानी इतना ठंडा ना कि अगर तुम एक ग्लास पूरा पी लोगे ना, तुम्हारे सर में दर्द हो जाएगी। दोस्तों अब हो रही है यहाँ तड़के की तैयारी, लहसुन प्याज सब कुछ कट रहा है। ये चीज मैंने टेस्ट की थी अभी यार, बहुत ज्यादा टेस्टी थी, मजा आ गया खा के। और मेरा दूध बचा हुआ है, अभी मैं सोच रहा हूँ धूप में जाके पीऊंगा इसको। दादाजी धूप में चले, चलो जी चलो चलो। हाय, विटामिन डी लेते हैं थोड़ी धूप से। इनमें लग जाती है दोस्तों, थोड़ा झुक के चलना पड़ता है। पहले लगी मेरे को यार सिर में, इससे ना बहुत ही ज्यादा दर्द हुई। ये रखा है बैठने को, धूप में बैठेंगे अब बढ़िया। और सामने ये वाला व्यू और गर्मा गर्म दूध, गर्मा गर्म तो नहीं, थोड़ा ठंडा हो गया, ज्यादा गर्म मेरे से पिया भी नहीं जाता। ये है मजा दादाजी। कालू 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 कालू, नीचे चल तेरी दोस्ती कराऊंगा, मेरे कुत्ते से गुनू नाम है उसका, तब बड़े लड़ने ही। यहाँ देखो अब कुछ है, बड़ा तेज कुत्ता है। चल वहाँ बैठ, वहाँ बैठ, इसको भी लग रहा है अच्छा धूप में, मजा आ रहा है इसको धूप सेकने का। इसे टांगे कैसे दे, छुनकी दे कैसी है, ये तो दो दो नाखून है इसके। यहाँ पागल भी होते हैं। अच्छा ऐसे कुत्ते नहीं होते, बोला पागल। चलो फिर दादाजी, धूप बिल्कुल हमारे सर के ऊपर हो गई है। लंच टाइम तक बैठ गए मैं और दादाजी यहाँ पे गप्पे माने, बच गया है थोड़ा सा। लंच टाइम हो गया दोस्तों, यहाँ पे दादा के साथ गप्पे मारते हैं, तो अब जा रहे लंच करने हम। दादाजी ने मेरे को बताया कि हमारे इलाके में कितने सारे जानवर मिलते हैं, तो बहुत सारे जानवर मिलते हैं यहाँ पे। लाल भालू मिलता है, काला भालू मिलता है, इनफैक्ट सफ़ेद भालू भी बोल रहे हैं, पर वो बहुत ज़्यादा ऊपर होता है जहाँ पे बर्फ़ टिकी रहती है ना, ग्लेशियर्स, वहाँ पे। एक मैटू बोलते हैं, एक बकरा होता है वो जंगली, जो कि मतलब बहुत लंबे लंबे सींग वाला होता है। और भी मतलब बहुत सारे जानवर बताए दादा ने, तो फिर कभी बताएंगे आप लोगों को। जाऊँगा कभी मैं बहुत हाइट में ग्लेशियर्स की साइड ट्रैक करने, उस दिन मिलेंगे जानवर तो दिखाऊंगा आपको। गिरता तो नहीं है लकड़? बाकी ये जो दोस्तों इसकी छत बनी है इस घर की, ये आप देख सकते हैं, स्लेट्स कहते हैं इसको, जो बिल्कुल एक पत्थर को मतलब बहुत ही कारीगरी के साथ काटा जाता है। और ऐसे ही ये सारे जो स्लेट्स आप देख रहे हो, ये सारे पत्थर से बिल्कुल बारीकी से एक ही शेप में काटे हुए हैं, चौरस में, और इनकी छत बनाई हुई है। तो ये छत मतलब इतनी एफिशिएंट होती है कि बारिश अगर आएगी ना, एक बूंद भी बारिश की अंदर नहीं जाती है। हाँ तो ये चलो अब चलते हैं अंदर। चार पांच बार बज चुका है मेरा सिर यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, और बहुत दर्द होती है। आए बन गया है हमारा लंच, और यहाँ पे आप देख सकते हैं घी है, दही है, दाल दाल वहाँ पे है। क्यों नहीं लोड़ी? तो बढ़िया एकदम, तेरे को चाहिए? मेरे को देना दही, दही देना, आज दही खाएंगे। तो भाई लोग खाना पीना हो चुका है, अब डॉगी को खाना पीना देते हैं। चल 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 बाहर, चल बाहर, चल बारह 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 बार 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 आ जा चल चल चल। मेरे ऊपर ही भौंक रहा था ना, अब देख क्या समय आ गया है कि मैं ही तेरे को खाना खिला रहा हूँ। हाँ पढ़ ला दो ना, पानी दिया मेरे को। चले दादाजी धूप में, चलो चलो।
चल चल धूप में चल, तेरी में हिम्मत है ना, सीधा चल, थोड़ा दीवार के साथ चिपक के मजाक कर रहा हूँ इसके साथ। चलो दोस्तों मैं आपको गंगा से मिलाता हूँ, कितनी प्यारी है देखो, इसको बस चरने से मतलब है। दूसरी क्या है, गौरी कहाँ है? अच्छा वहाँ पे है गौरी, यहाँ पे है दोस्तों, दिख नहीं रही होगी। तो ये दोनों बेस्टीज हैं और साथ में रहती हैं, रूममेट्स है दोनों, है ना, रूममेट्स है ना भाई। पूरे हिमाचल में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के सबसे हैंडसम जो दादाजी हैं वो मेरे दादाजी हैं। मैं हूँ हैंडसम, कोई शक नहीं इसमें, उस वक्त था हैंडसम ही था, उस वक्त नहीं अब भी है आप हैंडसम। आ रहा कमेंट में बताओ गाइस मेरे दादा हैंडसम है कि नहीं। ले बच्चन दे, ले बच्चन दे, ले बच्चन दे, ले बच्चन बच्चन, गुड 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 गुड। हमारी दादी भी आ चुकी है धूप में बैठने, ठंडे पानी का लोटा लेके। आप दो डेली बैठते हैं धूप में शाम तक? बहुत बढ़िया डांस था दादाजी। गर्मी से बुरे हाल हो गए हमें, थोड़ा मैं आए गर्मी उठिए थे। तो दोस्तों बीजू भाई को आराम करने दो, मैं जाता हूँ दादी जी के साथ खेत तक जाऊंगा साग की सब्जी लेने। तो चलो तू भी चला, चला तू भी चल। कसरा? अच्छा ये गनेरी इतके साल दस हो चक्की, किस चीज की चक्की चली है? तो ये आटा निकाल रहे दादाजी, मक्की का आटा है, व्हाट अ नाइस थिंग। यहाँ से मक्की डालेंगे दोस्तों, दो तीन बार डालेंगे इसको ताकि ये और ज्यादा ग्राइंड हो जाए। मक्की का आटा निकल रहा है देखो यहाँ से। धनिया गाइस ओ लिए सी पेटे बाप की चे में ओ हां ये वाला है हरा हरा। हां आयो तो धनिया सारी ओ केस्ते वे ओ केस्ते वे वो सब लक्षण वो सब आ खवा शाही शाही देख। सरसों होता है ना ये, देखो दोस्तों सरसों, ये जो आपने सुना होगा ना सरसों का तेल, जो कड़वा तेल बनता है, जो कि मतलब हेल्थ के लिए ठीक रहता है रिफाइंड के मुकाबले, वो इससे बनता है सरसों से। और ये आप देख सकते हैं हरी धनिया बीजी हुई है, और यहाँ पे ये है लहसुन, और ये है साग, और ये है साग। इसकी सब्जी सबसे सही होती है विटामिन ए के लिए। अब मैं धनिया लेता हूँ ज़रा यहाँ से। चाहे सब्जी हो, दूध हो, घी हो, कुछ भी हो, जो भी मिलेगा सब कुछ ताज़ा ही खाते हैं हम लोग। जैसे कि अभी पालक की सब्जी बनाने वाला है जो अभी अभी हमने अपने खेत से तोड़ी है। मेरे हिसाब से अगर आपके पास गार्डन है वहाँ पे सब्जियाँ, तो आपको एटलीस्ट बीजनी चाहिए जो कि आप खुद के लिए, ऐसे नहीं बिजनेस के लिए, सिर्फ खुद के लिए, खुद आप उगाओ, खुद आप खाओ, उसे हेल्दी रहोगे। यहाँ देखो लाइनों में लगाए हुए हैं यहाँ पे धनिया, यहाँ पे एक अलग से लाइन, फिर एक अलग से लाइन, फिर एक अलग से लाइन, लाइंस में पूरे खेत में धनिया लगा रखी है और बीच बीच में लहसुन लगा रखे हैं। अब दादी जी लहसुन ले रहे हैं, इसमें साग इकट्ठा कर लिया है, फिर चलेंगे हम वापस यहाँ से। वो धूप होती है बिल्कुल सर के ऊपर यहाँ, और खेत के बिल्कुल सामने ये वाला व्यू है। कौन सी सब्जी है ये वाली? ये अपनी भाषा में बोलते हैं कुपुगा। अच्छा कुपुगा अपनी भाषा में बोलते हैं। ये पता नहीं दोस्तों कौन सी सब्जी है, लोकल में दादी जी कह रहे कुपुगा बोलते हैं इसको हिंदी में, पता नहीं क्या कहते होंगे। आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। फाइनली हम फ्री हो चुके हैं अपनी धनिया और कुछ सब्जियां कलेक्ट करके, अब हम वापस जा रहे हैं, अब बनाएंगे इनको खाने के लिए। तो चलो यहाँ देखिए गोभी, गोभी की सब्जी। तो दादी के घर के जो साइड में ये घर है, तो ये मेरे ताऊ का है, पर मेरे ताऊ ने अभी फिलहाल खाने में रहने गए हैं, वो शिफ्ट हो गए हैं यहाँ से, तो यहाँ कभी कभी आते हैं क्योंकि यहाँ उनकी ज़मीनें भी हैं। और गौशाला देखते हैं ज़रा एंटर करके, ये है गौशाला भाई, इसको लोकल में खुड़ कहते हैं गौशाला को।
थोड़ा अंधेरा है यहाँ लोकेलिटी में हमारे यहाँ, जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मानते हैं कि देवता का वास होता है, भगवान का, तो इसलिए जो प्रभु माथा टेकते हैं हम। तो कर देते हैं आप बंद इसको ज़रा। लकड़ियाँ यहाँ पे हैं सर्दियों के लिए, जो कि हम तंदूर में ऊपर जलाते हैं ताकि हमारे को ठंड ना हो, ऐसा ऐसा सिस्टम है गाइस। मैं यहाँ से भी चढ़ सकता हूँ ऊपर, पर चढ़ूंगा नहीं मैं, क्योंकि ये रोड इसका कोई टास्क नहीं है जिसमें मेरे को कोई बेनिफिट होगा, जीत के गिर गया ना टांगे टूट जाएगी, इससे बढ़िया रहने देता हूँ। तो बहुत बैठ लिए भाई धूप में, अब रखते हैं अंदर सारा सामान और अंदर बैठते हैं। अब मेरा भी लगा इसमें से रहा हूँ, इसमें लगी मेरी भी, बहुत ही ज्यादा दर्द हुई। नहीं नहीं नहीं, इसको बिछा देता हूँ यहाँ ना। सीन ऐसा हो गया दोस्तों, इसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है जो कि लैपटॉप में है। नाउ वी हैव टू गो, तो अभी अलविदा कह रहे हैं हमारे दादा दादी को, दादाजी बोल रहे हैं हमारे साथ रहने आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं ना आप? पक्का होगा, पक्का परमानेंट। दादी जी हमारे लिए दूध पैक कर रहे हैं, ये दूध है, ये लस्सी है शायद, तो स्वेटर पहन लेता हूँ, ठंड लग रही है। चलो अच्छा, दो तो विदाई है ना दादी, आने की है ना? पक्का 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 पक्का, ठीक है दादी, बाय 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 बाय। चलो बाय करो फिर, बाय बाय बाय। चलो गाइस आप चलो मेरे साथ ही, ठीक है फिर, है ना, मिलते हैं, ओके बाय। नहीं नहीं चार्जर ही था वो, ले लिया चार्जर ही था, ले लिया वो, ठीक है बाय। अब नेक्स्ट ब्लॉग में दादा दादी नीचे ही आएंगे हमारे पास, और दादा दादी वहीं पे रहेंगे। अब मैंने समझा दिया इनको कि हमारे साथ रहा करो, ये रहते नहीं ऐसे। तो चलो गाइस अब चल रहे हैं हम न्यूली वापस, इसका काम पड़ गया, यूनिवर्सिटी से कॉल आया था, इसको बोला प्रोजेक्ट सबमिट करा दे, ये करो ठीक, बैक कर ठीक इस साइड, क्या क्या करके रखा तूने। दोस्तों अब मैं मिलता हूँ डायरेक्ट आपसे, अभी मेरे को उतराई उतरनी है काफ़ी सारी, तो अब हम आपसे डायरेक्ट मिलते हैं मेरे घर पे, ठीक है। A few minutes later. Finally, अब जाके शाम को हम पहुंच चुके हैं वापस अपने घर, और अभी मेरे साथ है मम्मी और पापा, यहाँ आप देख सकते हैं, हाय बोलो भाभी जी, तंदूर के पास बैठे हुए हम सारे, मम्मी है, मम्मी आज वाला ब्लॉग देख रहे हैं मेरा जो मैंने पोस्ट किया है, मक्की की रोटी, और ये बन रही है भाई मक्की की रोटी। देखो ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी रोटी मानी जाती है, और हिमाचल में बहुत ज्यादा मतलब फेमस है ये मक्की की रोटी और सरसों का साग, या तो मक्की की रोटी और कड़ी, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। मक्की की रोटी यहाँ बन रही है, कड़ी वहाँ पे बन रही है, और बस कुछ देर में हम करने वाले हैं डिनर। तो गाइज ये था आज का ब्लॉग, और ब्लॉग पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, और जो आपका फेवरेट पार्ट रहेगा ब्लॉग का वो कमेंट करके मुझे भी जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।